प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक का हिंदी रिमझिमी पाठ 13, जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग। यह एक बंदर की कविता है और बंदर अपने लिए खाना कैसे लाता है, कहाँ से लाता है और जब सोता है तो कैसे सोता है। इस कविता में कवि ने इसका रोचक ढंग से वर्णन किया गया है, तो कविता को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका भावार्थ बताऊंगी। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर थोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खचर वचर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। तो इस कविता में बंदर के बारे में बताया गया है। तो बंदर है, बंदर गया खेत में भाग, यानी कि बंदर जो है वो कहाँ गया भाग भाग कर, खेत में भाग गया। चुटुर मुटुर थोड़ा साग, चुटुर मुटुर का अर्थ होता है, चुटुर का अर्थ होता है थोड़ा और मुटुर का अर्थ होता है बहुत, यानी कि थोड़ा बहुत उसने क्या तोड़ा, साग तोड़ा। कहाँ से, खेत से, किसने, बंदर ने। आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खचर वचर, आग जलाकर चटर मटर, आग को क्या, जब बंदर खेत में गया था तो बंदर ने खेत में क्या जलाई, आग जलाई। कैसे जलती है, चटर मटर की, तो वैसे ही उसने आग जलाई। साग को कैसे पकाया, खचर बचर, खचर बचर का अर्थ होता है जल्दी जल्दी उसने अपने लिए क्या बनाया, साग बनाया। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दो, सापड़ सुपड़ उसने क्या किया, जब खाना खाते तो सपोड़ सपोड़ कर खाते हैं, तो वैसे ही बंदर ने सापड़ सुपड़ करके क्या खाया, खूब खाना खाया, खूब मजे से खाया। पोंछा मुंह उखाड़ कर धूप, खाना खाने के बाद उसने अपना मुंह किससे साफ किया, धूप से। उसने एक धूप को उखाड़ कर क्या किया, धूप मतलब होता है एक प्रकार की घास, तो उसने अपना मुंह किससे साफ किया, घास से साफ किया। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप, चलनी को उसने क्या किया, बिछा दिया और उसने ऊपर क्या ओढ़ा, सूप को ओढ़ा। डटकर सोए बंदर भूप, डटकर बंदर क्या हो गए, सो गए। भूप, भूप का अर्थ होता है राजा, तो राजा की तरह जो बंदर है वो क्या हो गया, सो गया। कहाँ सो गया, खेत में ही सो गया, दिख रहा है यहाँ पे, सोया हुआ आराम से राजा की तरह सो रखा। बंदर ने साग को खूब मजे से खाया, फिर उसने धूप उखाड़ कर अपना मुंह पोंछा, उसके बाद बंदर चलनी बिछा कर सूप ओढ़ कर डटकर सो गए। बंदर गया खेत में भाग कविता के रचयिता सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ जी हैं। इस कविता में उन्होंने एक बंदर के क्रियाकलापों का बड़ा ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। एक बंदर एक साग के खेत में गया, फिर साग तोड़ा, फिर उसने आग जलाकर साग को पकाया और उसे सापड़ सोपड़ करके खूब मजे से खाया। उसके बाद उसने धूप उखाड़कर अपने मुंह को पोंछा, फिर बंदर राजा चलनी बिछाकर और सोप ओढ़कर मजे से सो गए। अब देखेंगे हम इसका अभ्यास। तो अभ्यास में है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा, बंदर चलनी बिछाकर सोप ओढ़कर सो गया, लिखो ये कैसे सोएंगे, क्या बिछाएंगे क्या ओढ़ेंगे। हाथी, तो हाथी क्या बिछाता है, पत्ते बिछाएगा और झाड़ियों को ओढ़ेगा। चींटी, चींटी बालू बिछाएगी और ओढ़ेगा क्या, तिनके। गिलहरी, गिलहरी क्या बिछाएगा, घास और ओढ़ेगी क्या, पत्ते। शेर, मृत जानवर की खाल को बिछाएगा और ओढ़ेगा मृत जानवर की खाल को। मेरे लिए भी तो सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं, झटपट झटपट खटपट खटपट। साग पकाया, लिखा हो यहाँ पे, खचर वचर, सबने खाया चपड़ चपड़, पानी पिया सुपुड़ सुपुड़, मारे खरांटे खर खर खर, गिरे पलंग से धड़म धड़म। अबे भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा, तुम्हें कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। पहला होगा जब घर में कुछ टूट जाता है, दूसरा है कुत्ते को पत्थर मारने के बाद,
तीसरा है छोटे भाई से लड़ने के बाद, चौथा है रात में कोई अनजान या डरावनी आवाज सुनने के बाद। अब है कितनी तरह की टोपियां और पगड़ियां हैं बताओ। तो यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि पगड़ियां हैं और टोपियां हैं कितने प्रकार की हैं। तो एक प्रकार की टोपी, दो टोपी और तीन टोपी। तो यहाँ पे टोपी है वो तीन प्रकार की है, पगड़ियां हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, और नौ तरह की पगड़ियां हैं। तो इसमें आएगा तीन तरह की टोपियां और नौ तरह की पगड़ियां हैं। आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।